क्या आपके थायराइड की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है? मैं बता दूं, आप में से कम 60-70% लोगों को थायराइड होगा, चाहे वो मेल्स हों, चाहे फीमेल्स हों, चाहे फिर बच्चे हों। टीनेज बच्चों को थायराइड हो रहा है। क्यों हो रहा है इतना थायराइड? थायराइड का प्रेगनेंसी में, थायराइड का मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, थायराइड का आपकी ग्रोथ पे, थायराइड का और क्या रोल होता है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि थायराइड हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। गाइस, थायराइड एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि यहाँ पर होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। यहाँ आपकी विंड पाइप होती है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। उस ट्रैकिया के चारों तरफ ये थायराइड होता है। इसकी दो लोब्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, और ये जो है तीन तरह के हॉर्मोन्स मेनली बनाता है, एक T3, एक T4 और एक कैल्सिटोनिन। ठीक है, इसकी डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। बेसिकली जो थायराइड हार्मोन है, इसका रेगुलेशन होता है आपके ब्रेन से। कहीं भी कोई भी हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में, चाहे वो ओवरी हो, चाहे वो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स हो जो कि किडनी के ऊपर लगे हुए हैं, या फिर आपका थायराइड हो, इन सब का रेगुलेशन यहाँ से आता है, जिसको हम HPO एक्सेस कई बार पढ़ चुके, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सेस, बट ये एक्चुअली हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी और थायराइड एक्सेस है, HPT। यानी कि आपके ब्रेन में दो पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, वहाँ से दो हार्मोन निकले और उन्होंने डायरेक्टली थायराइड को जाके स्टिमुलेट करा। जितने लोगों को थायराइड की बीमारी है, उन सबको पता होगा, उनके डॉक्टर हर 3-6 महीने से उनका टेस्ट कराते होंगे, और उस टेस्ट का नाम है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन निकलता है आपके ब्रेन से, ये आपके थायराइड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड इसकी वजह से T3 और T4 बनाता है। जब तक ये बैलेंस सही रहता है, ये चलते रहते हैं, एक बढ़ता है, दूसरा कम होता है, फिर ये बढ़ता है, फिर ये कम हो जाता है, इस तरह से सीसॉ खेलते रहते हैं। अब आपको दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो जैसे कि नाम बता रहे हैं, यानी कि थायराइड काम कम कर रहा है, यानी कि T3 T4 कम बना रहा है किसी भी कारणवश, या तो इसके अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, या फिर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, पस भर गया है, या फिर अंदर कोई मेलानोमा हो गया है, कैंसर हो गया है, मेलिग्नेंसी हो गई है, किसी भी कारण की वजह से थायराइड कम अगर काम करता है, T3 T4 बॉडी का कम हो जाता है, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और ये उल्टा क्या करता है, क्योंकि ये कम हो गए तो ये ऊपर जाके उसको ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि बॉडी सिग्नल देती है ब्रेन को कि थायराइड कम काम कर रहा है, उसको दौड़ाओ, उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करो, तो आपका ब्रेन TSH बनाना शुरू कर देता है, तो आपका ब्रेन ज़रूरत से ज़्यादा TSH निकालता है। तो इसलिए जो हाइपोथायरॉयड के पेशेंट्स हैं, उनका हर बार TSH टेस्ट होता है। आपका TSH हम कोशिश करते हैं 4-5 के बीच में रहे, या फिर इसकी जो रेंज होती है, अगर आप देखेंगे 5 के ऊपर नहीं जाना है, और करीब आई थिंक 1-1.1 के आसपास होता ही है, या फिर 0.9-0.8, वो हर लैब का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग कौन सी यूनिट वो यूज़ कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी अगर नहीं है तो आपके TSH की वैल्यू अच्छी खासी है, यानी कि 1-5 तक नॉर्मल है। ठीक है, जैसे ही 5 को क्रॉस करता है, आपके डॉक्टर आपको थायराइड की दवाई शुरू करते हैं। वो कई नाम से आती है, थायरोक्सिन जो उसका कंपाउंड नेम है, वो एल्ट्रोक्सिन के भी नाम से आती है, थायरोक्सिन के भी नाम से आती है। तो बेसिकली इस दवाई का डोज हम बढ़ाते रहते हैं या घटाते रहते हैं, डिपेंडिंग आपका TSH कितना है। ठीक है, अब आते हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, या तो उसके अंदर मेलिग्नेंसी हो गई है, या फिर उसके अंदर कोई ट्यूमर हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेव्स डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनका आपने देखा होगा, आँखें ऐसे खुली खुली रहती हैं, पूरे टाइम ऐसे घबराए हुए रहते हैं, उनको एग्जॉफ्थैल्मोस हो जाता है, उनके आई बॉल्स बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और ये एक कंडीशन होती है जिसमें थायराइड जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हाशिमोटोज़ डिजीज़, ये सारी अलग अलग टाइप की हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम्स है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH बढ़ता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 इतने बढ़ गए हैं कि वो उल्टा ब्रेन के TSH को दबा देते हैं, क्योंकि बॉडी का सिग्नल आते हैं कि बहुत ज़्यादा थायराइड काम कर रहा है, इसको दबाओ, तो ब्रेन अपना TSH कम कर देता है। तो जब TSH लो होगा, T3 T4 बढ़ेगा, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म है, और जब TSH हाई होगा पर T3 T4 कम होगा, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दो तरह की बीमारियां हो गई। अब आते हैं थायराइड का आपकी बॉडी पे रोल क्या है। थायराइड बेसिकली आपके बॉडी की पूरी फंक्शनिंग पे काम करता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ, आपका मेंटल स्टेटस। अगर बच्चों को बचपन से थायराइड प्रॉब्लम है, तो कई बार वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। जो बच्चे पेट के अंदर ही थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं, वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं, कई बार वो मोटे होते हैं, कई बार उनकी टंग बाहर निकली हुई होती है, उनकी ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती है, हाइट कम होती है, उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स है। तो थायराइड का हार्मोन बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ में टेम्परेचर रेगुलेशन। जितने भी हाइपोथायरॉयड के पेशेंट्स हैं या हाइपर थायरॉयड के पेशेंट्स हैं, उनको गर्मी ज़्यादा लगना या ठंड ज़्यादा लगना, उनको उनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन गड़बड़ा जाता है, साथ में डायरिया,
कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इंटेस्टाइन्स पे भी काम करता है, आपकी स्किन और आपके बालों पे भी थायराइड का बहुत इफेक्ट है। जितने भी हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं उनके स्किन और बाल ड्राई हो जाते हैं, बाल टूटने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। इसके साथ साथ आपका वेट बढ़ना, कितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैडम मुझे थायराइड है से मेरा वेट बढ़ गया। इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम समबडी, टू ब्लेम कि मेरा ऑपरेशन हुआ था इससे मैं मोटी हो गई, या मुझे थायराइड हो गया इसलिए मैं मोटी हो गई। मानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको चांसेस होते हैं, टेंडेंसी होती है वेट गेन की, बट इतना नहीं होता, क्योंकि थायराइड एक महीने के अंदर कंट्रोल में आ जाता है, अनलेस कि आपको कोई थायराइड की बीमारी हो, ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो, सर्जरी की जरूरत हो। अगर थायराइड थोड़ा डिसबैलेंस हुआ है तो वो टैबलेट लेने से ठीक हो जाता है। साथ में ऐसे पेशेंट्स को वेट गेन के साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं, यानी कि नींद आने में दिक्कत होती है, और भूख लगने की भी प्रॉब्लम, यानी कि एपेटाइट डिसऑर्डर्स, या तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या फिर भूख कम लग रही है। तो ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पे कि थायराइड हार्मोन क्या होता है, कहाँ से निकलता है और इसकी बॉडी में फंक्शनिंग क्या है। अब हम आते हैं लेडीज़ में। लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो HPO एक्सिस है आपका, ब्रेन से लेके ओवरी तक का, उसके ऊपर भी थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आपको मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी होगी, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, हार्मोनल प्रॉब्लम्स पे सबसे ज़्यादा कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म। मेरे दो वीडियो आ चुके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कि इररेगुलरिटीज़ क्यों होती है। तो जो हार्मोनल पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है थायरॉयड, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि TSH बढ़ा हुआ है और T3 T4 कम है। तो ऐसे केसेस में आपको मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज़ होंगी। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में अगर थायरॉयड हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसका इफेक्ट माँ पे और बच्चे पे क्या होता है। अगर आप थायरॉयड की पेशेंट हैं तो आपकी थायराइड की जो डोज है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाएगी, ये मैं हर बार बताती हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोन ईस्ट्रोजन है और HCG है जो कि बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में, वो कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन को मिमिक करता है, उसको कम करता है। ठीक है, थायराइड का लेवल, TSH का लेवल आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी में 2.5 से 3 के बीच में होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका थायराइड TSH 4 साढ़े 4 है और वो आपको दवाई नहीं देते, तो आप उनको बोलिए कि नहीं, 2.5 से 3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आज से कुछ दिन पहले तक वो 4 तक की वैल्यू थी, अभी लेटेस्ट वैल्यू 2.5 से 3 है, यानी कि शुरू के ट्राइमेस्टर में, शुरू के 3 महीने 2.5 तक रहना चाहिए, और उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी में 3 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। बच्चा शुरू में माँ के हॉर्मोन्स पर डिपेंडेंट है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि थायरॉयड जो है बच्चे को भी हो जाए। जैसे डायबिटीज़ बच्चे को होती है, इसी तरह से थायरॉयड भी बच्चे को हो सकता है। अगर थायराइड आपका अनकंट्रोल्ड है, आपने चेक नहीं कराया, जो कि मैं आपको बता रही हूँ थायराइड आपको हर 2-2, 3-3 महीने से चेक कराना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि शुरू के 3 महीने अगर आपका थायराइड डिटेक्ट हुआ है पहली बार, तो आप उसको हर मंथ चेक कराएं। ठीक है, हर मंथली कराएंगे तो पता रहेगा कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बच्चे को क्या हो सकता है ऐसे केसेस में, बच्चे को थायराइड हो सकता है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं माँ को, यानी कि एबॉर्शन हो सकता है, माँ प्री टर्म लेबर में जा सकती है, यानी कि टाइम से पहले बच्चा होना, या फिर बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR बच्चा हो सकता है। जैसे मैंने बताया मेंटली रिटार्डेड बच्चा भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा उसको बचपन से थायराइड है। अगर माँ को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो माँ को हमेशा हार्ट बीट बढ़ती रहेगी, उसको डायरिया रहेगा, वो हमेशा कन्फ्यूज रहेगी, परेशान रहेगी, और बच्चे में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही चीज़ें होती हैं जो हाइपोथायरॉयड में होती है, ग्रोथ प्रॉब्लम्स, प्री टर्म लेबर और मिसकैरेजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे में हो सकती है। डिलीवरी के समय अगर माँ को थायराइड बढ़ा हुआ है, यानी कि हाइपर थायरॉयडिज्म है, थायराइड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो थायराइड स्टॉर्म हो सकता है, यानी कि एकदम से थायराइड में सारे हॉर्मोन्स का गश हुआ, खूब सारा थायराइड का हॉर्मोन निकला और माँ को थायराइड स्टॉर्म, जो कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये हो सकती है। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी, आपको पहली बात तो थायराइड चेक कराते रहना है, शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सही था, सेकंड में वापस चेक करा लो। अगर आपको थायराइड ऑलरेडी था तो उसकी डोज बढ़ती रहेगी, आप उसको मंथली चेक कराते रहो। थायराइड की टैबलेट, बस एक टैबलेट खानी होती है सुबह भूखे पेट, आधे पौन घंटे तक ना चाय लेनी है ना बिस्किट, कुछ भी नहीं खाना है, बहुत ही सिंपल है, 1 महीने में ये कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा आप और क्या कर सकती हैं? थायराइड जो है एक स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसीलिए थायराइड इतना बढ़ रहा है, क्योंकि हेरिडिटरी तो है ही, हेरिडिटरी यानी कि फैमिली में रन कर रहा है, मदर को था या दादी को था, नानी को था, तो हेरिडिटरी फैक्टर तो हमेशा रहते हैं। बट अभी आजकल क्यों बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था 70-80% लोगों को थायराइड है, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलेटेड है। तो अपना स्ट्रेस कम करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस डालनी है, जो कि मैं हर बार बताती हूँ। अच्छा, आपको कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो अवॉइड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल पत्ता गोभी, कैबेज, ब्रोकली यानी कि ग्रीन वाली गोभी। ठीक है, कहते हैं कि ये सारी सब्जियां जो हैं थायराइड को कहीं ना कहीं दबाती हैं। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकती हैं? आप चिया सीड्स लीजिए, चिया सीड्स यानी कि तुलसी सीड्स, जिनको कि पानी में भिगो के वो मोटी मोटी हो जाती है, आप स्वीट डिश बना के खाओ या उसको सिंपली पानी में घोल के पियो। आप सैलड्स लीजिए, आप एग्स खाइए, एग्स खाने से कहते हैं थायराइड पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। साथ ही आप जो ये रिफाइंड चीज़ें उसको अवॉइड करिए, यानी कि एकदम सफ़ेद शुगर जो एकदम रिफाइंड होती है, जिसमें शुगर कम केमिकल ज़्यादा होता है, रिफाइंड ऑयल हो गया, उसकी जगह आप नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल है, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल मार्केट में मिलता है, ये आप यूज़ करिए, जो कि साउथ
ऑफ इंडिया में काफ़ी यूज़ होता है, हम लोग उसको कम यूज़ करते हैं नॉर्थ में, बट साउथ में काफ़ी यूज़ होता है। अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप सोचेंगे मैं कहाँ से खरीदूँ, इसके सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से पेशेंट्स को ये लिंक भेज के, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद ने मंगाए हुए हैं, तो मुझे पता है ट्रस्टेड कंपनीज़ हैं, आप वहाँ से अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से चूज़ करूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिमरोज ऑयल और ई कॉड लिवर ऑयल, जो कि बेसिकली ये जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो बढ़ाते हैं। प्रिमरोज ऑयल वेजिटेरियन है, ई कॉड ऑयल जो है वो ऑब्वियसली एनिमल से आता है, तो उसमें ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये सारे लिंक्स मैं डाल चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये वैसे भी इन जनरल एक लेडी को लेनी चाहिए, और ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल नुकसान नहीं करते, आपके थायराइड को कंट्रोल में रखेंगे। और हाँ, हर्बल टी भी लेने से कहते हैं थायराइड पर काफ़ी फर्क पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थायराइड से डरने की जरूरत नहीं है, थायराइड से मोटे नहीं होते, थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है, और थायराइड को इग्नोर भी नहीं करना है, अपने मन से दवाई बंद नहीं करनी है। कितनी पेशेंट्स हैं, मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया, मैं तो बंद ही कर दिया, मैंने पूछा नहीं डॉक्टर से, ऐसे नहीं करना है। थायराइड नॉर्मल आ गया, इसका मतलब आप दवाई सही ले रही थी, दवाई बंद करती 4-5 महीने में वापस बढ़ जाएगा, फिर आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो एक तरह से ये लाइफ लॉन्ग दवाई है, एक टैबलेट रोज खानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा।